meeting that he's describing, was this on record anywhere? Listen, I will die for opposing this cap. I doesn't like this thing. Our land, our rights, so we have to oppose. I will go. If I die, it's okay. I will just go and protest for cap. पर वो पहले भी इन लकी ट्राइबल के बारे में बहुत से कम है. ये बुबाकरा सिर्फ बोलता है, बुबाकरा अकेला क्या करेगा, सपोर्ट है ये ट्राइबल सा, इसलिए त्रिपुरा सा होना चाहिए. इट इज मैसेज ऑफ यूनिटी फॉर ट्राइबल्स, स्टैंड यूनिटी, ये मैसेज है. ये ट्राइबल एक हो जा बोल करके ये बंगाली लोग ने अटैक किया, अभी इसका कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया, ये सैक्रिफाइस हो गया फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज पीपल, उसका बदलिए ये ट्राइबल सा के लिए, त्रिपुरा सा के लिए, ये सैक्रिफाइस एक मैसेज है. ये एक हो जाओ बोल करके ट्राइबल सारा ट्राइबल, ये मैसेज है. अभी बुबाकरा भी बोल रुपया कॉम्पनसेशन मिला है मुझे, मैंने पहले सुना था 10 लाख, लेकिन अभी 5 लाख आया है. लेकिन पैसा देने से किसी का जिंदगी वापस नहीं आता, पैसा दिया है ठीक है, वेरी गुड, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस लोगों ने ये आक्रमण किया था इनके ऊपर, वो जेल में आज क्यों नहीं है, और अगर ये मर्डर नहीं है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं निकल गया. मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, मुझे जस्टिस चाहिए. मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता हूं, आप सिर्फ हमको न्याय दीजिए, क्योंकि जब आप न्याय नहीं देते हैं तो अंदर में एक आग रहता है और वही आग बाद में कॉम्युनल हो जाता है. इसके लिए ये क्रिमिनल्स, अगर ये मर्डर हुआ है तो क्रिमिनल्स को जेल जाना चाहिए, अगर मर्डर नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम को क्लियर करना चाहिए. एमएलए को कुछ आश्वासन देना चाहिए आप, कुछ फैमिली को. मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं इनके साथ हूँ, इनके बेटे से मेरा बात हुआ है, और अगर कुछ भी दरकार होगा तो मैं अपने तरफ से, अपने तरीके से, मीडिया के सामने नहीं, मैं अपने तरफ से जो भी मुझे करना है मैं करूंगा. आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इनके साथ हूँ. ये फोटो अप नहीं है, अगर तब कैमरा नहीं भी रहेगा तभी भी मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी भी है अपने दोहा और अपना टाइपिंग समाज हो, देवबर्मा हो, जमतिया हो, कोलोय हो, रियांग हो, दारलोंग हो, तिप्रासा तिप्रासा है, और हमको अगर खांचा रखना है, मुनखट रखना है, तो एक संग इस खराब समय में एक संग रहना चाहिए. तो मैं जो हेल्प करूंगा वो मैं इंटरनली हेल्प करूंगा. ठीक, थैंक यू. विजिट किया, फैमिली के साथ बात करके क्या समझा और कुछ बात कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी हुआ है बहुत ही खराब हुआ है. इनका कहना है कि उनको मर्डर किया गया था. मैंने कहीं और से ऑफिशियल वर्जन भी सुना है कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन फैमिली कह रही है कि इनको गाड़ी से निकाल के मारा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो चुका है, तो पोस्टमार्टम इतने तक आया क्यों नहीं, ये सब लेजिटिमेट सवाल से मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से. और मैं यहाँ से होकर मैं अगरतला जाऊँगा. मैंने परिवार को पूरा आश्वासन दिया है कि इनके साथ न्याय होगा, और जिस लोगों ने भी हमारे इनके पति के मर्डर के पीछे है, अगर मर्डर हुआ है तो ये मेरा गारंटी है कि मैं इनको जेल में डाल के ही छोड़ूंगा. उनको सजा मिलना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, और प्रशासन को सबके तरफ फेयर होना चाहिए. ये बायस नहीं चलेगा. तो मैंने ये क्लियरली इनको आश्वासन दिया है, और मैंने वचन लिया है कि जब तक जो लोग ने हमारे टाइपिंग बाबू को मारा है उनको वो जेल तक नहीं जाएंगे, तब तक मैं आराम से बैठूंगा बिना. ये मेरा प्रॉमिस है उनके परिवार को, और मैं ये फॉलो थ्रू करूंगा, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम पूरा बताएगा कि क्या हुआ था उसे. मगर पुलिस की तरफ से तो एक्सीडेंट का बात बोला गया था. पोस्टमार्टम जब तक निकला नहीं तो पुलिस कौन होता है बोलने वाला कि एक्सीडेंट हुआ था या मर्डर हुआ था. अगर पुलिस को पोस्टमार्टम का दरकार नहीं है तो पुलिस, तो आप पोस्टमार्टम को हटा दीजिए कि त्रिपुरा में पुलिस अलग रकम से काम करेगा. पूरे इंडिया में पहले पोस्टमार्टम आता है, उसके बाद पुलिस कमेंट करता है. त्रिपुरा में पुलिस अगर सिचुएशन को ठंडा करने के लिए कह रहा था तो ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन आज सिचुएशन यहाँ में टेंस नहीं है.
जिसने कत्ल किया है उनको जेल जाना चाहिए और अगर जो सच है वो निकलना चाहिए, अगर मर्डर नहीं हुआ तो वो भी सच होना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम को ऐसा आप बैठकर आप चुप नहीं रह सकते। अब क्या फैमिली विजिट के बाद पीएस में जाने वाला है क्या? नहीं, मैं अभी मैं जीबी हॉस्पिटल जाकर मुझे मालूम करना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ है, पुलिस ऑफिसर से बात करके क्या मिलेगा। पहले पोस्टमार्टम आएगा, पोस्टमार्टम बताएगा कि क्या हुआ था।